हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयपुर में अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे की फितरत हो गई है प्रधानमंत्री को गुमराह करना। प्रधानमंत्री को राजस्थान में बुलाने के लिए हमेशा गुमराह किया जा रहा है। वसुंधरा सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है। वसुंधरा राजे ने भाजपा की नेताओं की उपयोगिता को कभी नहीं समझा। पहले भैरव सिंह की बेइज्जती करी जो उपराष्ट्रपति थे, अब वर्तमान प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रही हैं। इसी के साथ अशोक गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा भी की। जो आदमी 10 आदमियों को 13 दिन बाकी रहे होंगे जेल रहा हो, एक पीढ़ी को मालूम नहीं, उसको गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे लोग। 10 साल जो जेल में बिताए हों, कभी 1.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल, वो अंग्रेजों की जेलें हैं, वो जमाने की। सबसे अधिक कोई रहा जेल के अंदर पंडित नेहरू रहा है। तो आप देखो कितने निम्न स्तर पर जाके ये व्हाट्सएप पे और ये आपके सोशल मीडिया पे जो बातें डाल रहे हैं, इसे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी को गर्व होना चाहिए, जिस पद पे मैं बैठा हुआ हूँ उस पद पे कभी पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति तो बैठा हुआ था, ये उनको गर्व होना चाहिए था। और अगर ये सोच उनकी होती, आज उनकी स्थिति ये नहीं होती कि जिस नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था जब सरकार बनी थी तब, 10 साल तो भूल जाओ नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा। आज पूरे देश के अंदर एक एक बच्चा बच्चा कहेगा अगली बार किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।